वेलकम टू मार्वल्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं, तो बिना देरी से शुरू करते हैं। तो गौर को हराने के कुछ टेक्निक्स है। सबसे पहले टेक्निक यह है कि थोड़ा बेसिक गाइड दूंगा कि अगर तुम गौर के लेवल को बिल्ड नहीं कर सकते, अगर गौर जैसा कैरेक्टर अगर हासिल नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास में उतना अच्छे कॉमिक कार्ड नहीं है, अच्छा बिल्ड नहीं है, तुम्हारे पास उतने पावर लेवल वाले कॉमिक कार्ड नहीं है, और तुम्हारे पास में उतने पावर लेवल के कैरेक्टर जो है वो उतने लेवल के बिल्ड भी नहीं है, उससे लो कैटेगरी के। तो उस लो पावर लेवल के साथ में तुम गौर जैसे कैरेक्टर को हराने की सोचोगे तो हरा नहीं पाओगे। ऐसा समझ लो कि तुम्हारे अपोनेंट के टीम है, ठीक है, कोई भी प्लेयर है, उस प्लेयर के पास में गौर है, तो वो गौर कैसा बिल्ड करेगा वो भी कुछ अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। अपोनेंट का टीम का मेंबर या कैरेक्टर उसके अंदर कैसे बिल्ड होंगे, कैसे सिटी पे होंगे, आर्टिफैक्ट होगा नहीं होगा, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें रहती है गेम में जो हमें नहीं पता रहता है। तो यहाँ पर मैं कोशिश ये करना है तुमको कि गौर को हराने के लिए काफ़ी सारी रिसर्च, और तुमको बहुत सारे अपोनेंट के टीम का जो भी अगेंस्ट में तुम्हारे आता है, जैसे एग्जांपल गौर अगर आता है तो गौर के अगेंस्ट में तुम कौन सी टीम यूज़ कर सकते हो, गौर की वीकनेसेस क्या है, या सामने वाला जो प्लेयर है, प्लेयर के कॉमिक कार्ड में क्या वीकनेसेस है, उसके टीम में कौन सा वीकनेस है, वो तुमको फाइंड आउट करके फाइट करना पड़ेगा। या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि गोल्ड यूज़ करो, गोल्ड यूज़ करके टीम चेंज कर दो जिसमें गौर ना हो। अब ऐसे यहाँ पर मैं मैक्सिमम चांसेस ये है कि सबके पास में गौर होगा, कुछ लोगों के पास में जिनके पास में गौर अनलॉक करने की कैपेसिटी है उन लोगों के पास होगा, कुछ लोगों को छोड़ देंगे, न्यू प्लेयर्स या बिगिनर्स या थोड़ा ओल्ड प्लेयर्स, उनको थोड़ा छोड़ दोगे तो उनके पास में हो सकता है नल में पिस्टल हो, गौर लाने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, उनको भी थोड़ा साइड में कर दो। तो ऐसे लोगों से अगर तुम्हारी टीम में फाइट होती है टर्नल मेटल में, तो वहाँ पर मैं तुम गौर को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी कंडीशन में लगातार तुम टीम चेंज कर रहे हो लेकिन गौर आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, हर टीम में गौर है, तो फिर लड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि गौर को डिफेट कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं करना क्या है कि टर्न बटन में जाना है, ठीक है, जो भी तुम्हारे पावर लेवल के हिसाब से अपोनेंट की टीम आती होगी उसके पावर लेवल को गेम आईडी एक बार चेक करना है। चेक करने के बाद में उनकी वीकनेस, उनका पावर लेवल और टीम में क्या है वो देखना है। उसके बाद में सब कुछ देखने, सोचने, समझने के बाद में और एनालिसिस करने के बाद में अपोनेंट की टीम की वीकनेस ढूंढ के, उसके टीम के वीकनेसेस को फाइंड आउट करके, उसका मैक्सिमम एचपी कम है, स्किल कूल ड्यूरेशन कम है, अटैक कम है, या फिर कुछ और कम है, या फिर बिल्ड गलत दे रखा है, या सीटीपी नहीं है, या सीटीपी रिफोर्ज नहीं है, या आर्टिफैक्ट चढ़ा रखा है, या बहुत हाई लेवल का बिल्ड है, तो वैसे वाले प्लेयर से लड़ना नहीं है, उसको स्किप कर देना है या चेंज कर देना है। वैसे वाले प्लेयर अगर ज़्यादा आते हैं अपोनेंट के टीम में या टर्नामेंट में, तो उनसे लड़ना नहीं है, उनको स्किप कर देना है गोल्ड के थ्रू। जैसे एग्जांपल ये मैं गया और यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा गोल्ड का, सर्च न्यू अपोनेंट, तो उसको चेंज करके न्यू अपोनेंट को ला के फाइट कर सकते हो। जैसा अपोनेंट रहेगा वैसे तुमको फाइट करना है, ठीक है। और गौर को हराने के लिए जो मेन टीम है, या तुम बोल सकते हो कि गौर को हराने की टेक्निक जो है, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल एबिलिटी या स्किल स्पेशल टेक्निक जो है वो थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा, उसके लिए तुमको तुम्हारा कॉमिक कार्ड, तुम्हारा बिल्ड और तुम्हारे कैरेक्टर पावरफुल होने चाहिए, तो ही वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। जैसा ऐसा समझ लो कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम अपना चाकू लेके जाओ और थानोस को मार के दिखाओ, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। लोकी ने सेम ये चीज़ की थी, लोकी का क्या हाल हुआ है तुमको भी पता है, तो ये ऐसी वाली हरकतें नहीं करनी है, ठीक है, ऐसी वाली हरकतें नहीं करनी है। लोकी ने चाकू लेके थानोस को मारने की कोशिश की, वो नहीं मार पाया, इम्पॉसिबल था, वो चाकू से मरने वाला इंसान नहीं है, उसको मारा जाएगा बड़े वेपन से, तो बड़ा वेपन बनाओ, स्ट्रांग वेपन बनाओ, ठीक है। और आयरन मैन का सूट से भी खाली बस इसका एक बूंदी खून निकला था, चार चार तीन तीन इन्फिनिटी स्टोन्स के अगेंस्ट में वो लड़ रहा था। तुम इमेजिन करो, तो ऐसे गौर जैसे लेवल के कैरेक्टर को हराने के लिए तुमको क्या क्या बिल्ड करना पड़ेगा, कॉमिक कार्ड, कैरेक्टर बिल्ड, सीटीपी, आर्टिफैक्ट, गियर, कस्टम गियर, यूनिफॉर्म्स, बहुत कुछ तगड़े लेवल का बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए कॉस्ट काफ़ी भारी चुकानी पड़ेगी। तो अभी करना क्या है, करना ये है कि तुमको कुछ नहीं करना, मतलब करना बहुत कुछ है लेकिन फिलहाल अभी के लिए कुछ नहीं करना,
टीम आती है, टीम की वीकनेस ढूंढो, क्या अपोनेंट की टीम की क्या वीकनेस है, उस वीकनेस को ढूंढने के बाद में वैसे टीम सेट करो जो उसकी टीम में वीकनेस होगी, वैसी वाली टीम चूज़ करके फाइट करने की कोशिश करो। अब जैसे एग्जांपल, यहाँ पर मेरे को गौर की टीम लानी है, तो मैं आप गौर की टीम आ गई है, ठीक है। अब इस बंदे का DJMB B1, ठीक है, इस नाम को रट्टा मार लेते हैं, और रट्टा मारने के बाद में गेम आईडी इसकी चेक करेंगे, उसमें क्या वीकनेस है वो देखेंगे। DJMB B1, ये रहा वो प्लेयर, ठीक है। अब इस प्लेयर के आईडी को मैं चेक करूँगा, और चेक करने के बाद में इसमें वीकनेस क्या है वो थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर मैं, जैसे कि तुम कॉमिक कार्ड देख सकते हो, कॉमिक कार्ड इसके पास में लगभग कुछ हद तक क्राफ्ट है, बहुत ज़्यादा क्राफ्ट नहीं है लेकिन कुछ हद तक क्राफ्ट है। उसके बाद में जो अटैक स्पीड है वो देखो, यहाँ पर मैं क्रिटिकल रेट, यहाँ पर देखो क्रिटिकल डैमेज देखो। उसके बाद में यहाँ पर मैं ऑलरेडी का 61 का है, ये फिजिकल अटैक का 15% का, एनर्जी अटैक का 36, और इग्नोर डिफेंस है 46, और एडिशनल पीएस डैमेज है 10% का, मैक्सिमम एचपी है 30% का, कूल डाउन ड्यूरेशन 26% का। तो इसका जो सारा का सारा जो मेन वीकनेस पॉइंट है वो इसका मैक्सिमम एचपी है, कूल डाउन ड्यूरेशन है, और कुछ और यहाँ पर मैं इग्नोर डिफेंस यहाँ पर मैं दिख रहा है, थोड़ा बहुत इग्नोर डस्ट पकड़ लो, ये सब मेन मेन थोड़ा थोड़ा वीकनेस है जो इसमें वहाँ पर नहीं है। और रही बात इसके गौर की, तो गौर का भी हम लोग इसका देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके पास में कुछ ही सिलेक्टेड कैरेक्टर ही टीयर 4 है, यानी ज़्यादा इसके हाई लेवल के बिल्ड नहीं होंगे, ठीक है। और इसने कुछ गौर का यहाँ पर मैं बिल्ड दे रखा है, अथॉरिटी लगा रखा है, क्रिसेंट का आर्टिफैक्ट लगा रखा है, बेवकूफ़। गौर भी हाई लेवल का बिल्ड नहीं है, खाली 15 तक गियर है, आईसोट भी अच्छे फुल रैंक अप नहीं है। तो ये है इसका बिल्ड, ठीक है। अब इसके साथ में फाइट करूँगा, अब गौर यहाँ पर मैं लीडरशिप में लगा है, सेंट्री है और हल्क है, इन तीनों के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा। और तीनों के अगेंस्ट में लड़ते समय एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी गौर के अगेंस्ट में लड़ते समय, कि हो सके तो स्किप करना है, थोड़ा सा उसको गौर को अटैक करने देना है, फिर उसके बाद में हल्क का स्किल नंबर 4, थानोस का स्किल नंबर 5 और 4, 3, 5, 4, ये तीन स्किल वहाँ पर मैं गौर के ऊपर में अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हल्क का स्किल नंबर 4 वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गौर को मारने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर थानोस को अटैक करते समय थोड़ा ध्यान से, थोड़ा संभल के, थोड़ा ध्यान से, तो ध्यान से हल्क मार सकता है, लेकिन हल्का स्किल नंबर 4 रेडी चाहिए। इस तरीके से हल्क को हराया जा सकता है। हल्क के भी कुछ कुछ वीकनेस है, जैसे उसको स्किल नंबर 4 वेस्ट कर होने दो। जैसे हल्क का स्किल नंबर 4 वेस्ट हुआ, उसका वेस्ट होने के बाद में उसके ऊपर में अटैक कर दो। स्किल नंबर 4 को वेस्ट करने का तरीका यह है कि जब हल्क अटैक करेगा स्किल नंबर 4 से राउंड राउंड घूम के, उसके अटैक से दूर जाओ, जितना हो सके दूर जाओ, और हो सके तो सपोर्ट कैरेक्टर कोलोसस वगैरह स्विच कर दो, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दूसरा कोई कैरेक्टर लेके भागने की कोशिश करो, या फिर स्पाइडरमैन का कैरेक्टर होगा तो उससे दूर हटने की कोशिश करो। जितना हो सके उसके अटैक शुरू होने से पहले ही भागो, और जब तक भागो जब तक उसका स्किल नंबर 4 ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे उसका स्किल नंबर 4 ख़त्म हुआ, अटैक मार देना, एक तो थानोस को स्विच करके मार देना, 3, 5, 4 ख़त्म। और अगर दूसरा कोई कैरेक्टर है तो उससे मारना पड़ेगा, जैसे इसका पड़ामेंग का स्किल होगा तो स्किल नंबर 3 और 4 और 5 मारना पड़ेगा, तो उससे भी मर जाएगा। अब आइए आगे की टीम, इसको टीम को साइड कर देते हैं। डू में यहाँ पर मैं अगेन गौर चाहिए अपने को, गौर आ जा, आ गया गौर, शूरी और एडम वॉरलॉक। अब वंडरलैंड किड्स, अब इसका क्या आइडिया मुझे नहीं पता, इसकी गेम आईडी बिल्ड मेरे को नहीं पता, मैं चेक करने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट फाइट करने जाऊँगा, जो होगा देखा जाएगा, हारेंगे तो हारेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे। गौर से फाइट करने का वही एक तरीका है, हल्क की स्किल नंबर 4, थानोस का स्किल नंबर 3, 4, 5 और स्पाइडरमैन का स्किल नंबर 4 और 5, ये स्किल काम आएंगे। और एडम वॉरलॉक से हराना चाहते हो तो एडम वॉरलॉक का वो गोल वाला सर्कल, अबे मारा गया साले, कैरेक्टर तो स्विच करने देता।
अबे मर गया साले, कम से कम तो उसको तो मार देता। चलो ये भी एक बार मार दिया, एक और बार मारना है। ये मार दिया। तो इस तरीके से गौर को हराना है। थोड़ा सा टेक्निक चाहिए, थोड़ा सा स्किल चाहिए और थोड़ा सा टाइमिंग का परफेक्शन चाहिए। वो अगर स्किल की आदत एक बार पड़ गई तो गौर को डिफीट किया जा सकता है। थोड़ा सा कैरेक्टर सेक्रीफाइस भी करना कभी कभी करना पड़ सकता है। टाइमिंग का अगर थोड़ा सा भी इधर उधर 19-20 हो गया तो कैरेक्टर मारा भी जा सकता है। थोड़ा सा देख के सोच के समझ के ट्रेनिंग के और कैरेक्टर बिल्ड के हिसाब से कॉमिक कार्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा तुम टर्नामेंट में अच्छा खेलोगे। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। कॉमिक कार्ड और अपोनेंट का बिल्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्नामेंट में जीतने के लिए।